दोस्तों, आपने इंटरनेट पे कांग्रेस और बीजेपी को लेफ्ट विंग और राइट विंग के नाम पर लड़ते हुए सुना होगा, लेकिन क्या है ये लेफ्ट विंग और राइट विंग? सबसे पहले तो दोस्तों, ये दोनों पॉलिटिकल टर्म्स है, और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। लेफ्ट राइट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पॉलिटिकल पोजीशंस, आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल इक्वालिटी और सोशल हायरार्की के बेस्ड डिफरेंशिएट किया जाता है। ये सिस्टम सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय स्टार्ट हुआ था, जहां होता ये था कि मान लो दो पार्टीज हुआ करती थी, जिसमें से एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था और दूसरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू अपने राज्य और ट्रेडिशन को इसी तरह से मेंटेन करने का था। और अगर आपने देखा होगा कि उस समय पार्लियामेंट हॉल कुछ ऐसे बड़े बड़े होते थे, तो जो रिवॉल्यूशन पार्टी होती थी वो लेफ्ट साइड में बैठती थी और दूसरी पार्टी राइट में बैठती थी, और शायद तभी से इस सिस्टम का नाम लेफ्ट विंग और राइट विंग रखा है। चलो तो पहले लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी देखते हैं। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी यानी जिसमें फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, सोसाइटी का प्रोग्रेस, रिफॉर्म और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। और थोड़े पॉलिटिकल वे से देखें तो जो पार्टीज लेफ्ट विंगर्स होते हैं वो कम्युनिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं यानी सोसाइटी के कलेक्टिव प्रोग्रेस पर ज्यादा फोकस करते हैं, फिर सोशल डेमोक्रेट्स होते हैं यानी कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, प्रोग्रेस पर ज्यादा फोकस करने वाले होते हैं, और सोशल लिबरल्स भी होते हैं। लेफ्ट विंग पार्टीज हमेशा मॉडर्न पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, जैसे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखना, फॉरेन कंट्रीज के साथ हमेशा अच्छे रिलेशंस रखना, सोसाइटी में इक्वालिटी लाना, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना एक्सेट्रा। साथ ही उनके कुछ प्रोग्रेसिव व्यूज भी होते हैं, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज, अबॉर्शन और इमिग्रेशन को लेफ्ट विंग पार्टी सपोर्ट करती है। इतना ही नहीं, वो डेथ पेनल्टी के भी बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। तो ये होता है लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। अब हम राइट विंग आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, राइट विंग आइडियोलॉजी अथॉरिटी, ऑर्डर, हायरार्की यानी वंशज, ट्रेडिशन और नेशनलिज्म ऐसे आइडियाज पर फोकस्ड होती है। नॉर्मली जो राइट विंग पार्टीज होती है वो बहुत कंजर्वेटिव्स होते हैं, यानी कि ओल्ड फैशन्ड, सिर्फ थोड़े ही चीजों में वो मॉडर्न आइडियाज को फॉलो करते हैं। डिक्टेटरशिप, वन मैन रूल, इसमें वो बिलीव करते हैं और अपने ट्रेडिशनल मेथड से हमेशा जुड़े रहते हैं। उसी तरह राइट विंग पार्टीज बहुत ही नेशनलिस्ट होती है, वो रिलीजन और इक्वालिटी को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देते। साथ ही उनके विचार भी काफी ट्रेडिशनल होते हैं, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज, अबॉर्शन और इमिग्रेशन को वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते। तो ये होता है राइट विंग आइडियोलॉजी। अब इसमें कुछ पार्टीज ऐसे भी होती है जो ना घर की ना घाट की होती है, मतलब ये कि वो ना पूरी तरह से लेफ्ट विंग पार्टी होती है और ना पूरी तरह से राइट विंग पार्टी होती है, वो बस दोनों के थोड़े थोड़े आइडियाज को फॉलो करते हैं। तो अब ऐसे पार्टीज को कहा जाता है सेंट्रिस्ट। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की लेफ्ट विंग पार्टी है और बीजेपी ये राइट विंग पार्टी है। और अब सेंट्रिस्ट देखें तो इंडिया की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, डीएमके, ये सब सेंट्रिज्म फॉलो करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि एक सही है और दूसरा गलत है, सबके अपने अपने आइडियोलॉजीज है और वो उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं। वैसे आपको कौन सी आइडियोलॉजी ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।